मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पत्रकारों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के पत्रकार सुरक्षा कानून जल्द ही बनेगा, ये बात कही प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार ने। आपको बताएं कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यह खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री और ग्वालियर जिले के प्रभारी मंत्री उमंग सिंघार ने कहा कि प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए मैं मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करूंगा और जल्दी से जल्दी कानून की अमली जामा पहनाया जाएगा और उसको अमल किया जाएगा। अगर बात करें तो श्री सिंघार के प्रयासों से मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, विधायक प्रवीण पाठक ने अपनी अपनी विधायक निधि से ग्वालियर प्रेस क्लब परिसर में एक हॉल के निर्माण हेतु 5-5 लाख रुपए एवं नेता प्रतिपक्ष कृष्ण राव दीक्षित ने अपनी पार्षद निधि से 5 लाख रुपए देने की भी घोषणा की है। कांग्रेस पार्षद राजेश भदौड़िया राजू ने 1 लाख रुपए अपनी पार्षद निधि से देने की घोषणा की। प्रभारी मंत्री श्री सिंघार ने कहा कि मैं और मंत्री विधायकों से राशि दिलवाऊंगा ताकि ग्वालियर प्रेस क्लब का एक शानदार हॉल बन सके। श्री सिंघार रविवार को ग्वालियर प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राम विद्रोही ने की। स्वागत भाषण सचिव राजेश शर्मा ने एवं संचालन कोषाध्यक्ष सुरेश शर्मा ने की। आपको बताएं कि कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, प्रदेश के महासचिव सुनील शर्मा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र सिंह तोमर, पूर्व विधायक मदन कुशवाहा, अपर संचालन GS मौर्य मांचसीन रहे। और कार्यक्रम में अतिथियों ने मां सरस्वती की समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही अतिथियों का शाल और श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभारी मंत्री सिंघार को ग्वालियर प्रेस क्लब द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग को पूरा करेंगे और मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि इस कानून को जल्द से जल्द बनना चाहिए और उन्होंने पत्रकार से आह्वान करते हुए, यानी कि पूरे पत्रकार समाज से आह्वान किया कि सकारात्मक सोच के साथ कार्य करते हुए प्रदेश के विकास में सहयोग प्रदान करें। उन्होंने कहा कि पत्रकार कॉलोनी की समस्या का निराकरण तथ्यप्रत होगा और हमने इस संबंध में कलेक्टर को जारी निर्देश भी दिए हैं और पत्रकारों के भ्रमण कार्यक्रम के संबंध हम संबंधित विभाग से विस्तार चर्चा करेंगे। आपको बताएं कि ये पत्रकारों से जुड़ी खबर थी जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है और प्रदेश कांग्रेस के सचिव सुनील शर्मा ने कहा कि प्रभारी मंत्री श्री सिंघार की सोच के अनुसार ग्वालियर प्रेस क्लब का विकास में हर संभव सहयोग किया जाएगा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने कहा कि ग्वालियर प्रेस क्लब परिसर में हॉल निर्माण के पूरे सहयोग किया जाएगा। पत्रकार गुरुशरण सिंह और पत्रकार जावेद खान ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान एक ज्ञापन पत्रकारों द्वारा सौंपा गया तथा ज्ञापन का वाचन पत्रकार प्रदीप तोमर ने किया। आप बताएं कि ये खबर अगर वाकई में इसमें दम होता है और पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाता है तो ये काफ़ी सराहनीय कार्य होगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। और क्योंकि अगर 2019 चुनाव से पहले आता है तो इसको चुनावी स्टंट भी हम कह सकते हैं, क्योंकि 2019 चुनाव की बात करें तो उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ राजस्थान, इन तीन राज्यों पर भी काफ़ी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि वहाँ पर अब कांग्रेस की सरकार है और वर्तमान में केंद्र से लेके कई प्रदेशों में राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पर सरकारें हैं वहाँ पर इस तरीके का कोई भी पत्रकार सुरक्षा कानून या इससे संबंधित कोई भी बात नहीं की गई। और अगर कांग्रेस का जहाँ पर गढ़ है कह सकते हैं, जहाँ पर अभी जो अभी बात करी जाए तो वहाँ पर मुख्यमंत्री है, तो जहाँ पर कांग्रेस का मुख्यमंत्री अगर उधर पत्रकार सुरक्षा कानून बनता है तो इससे फर्क भी पड़ना चाहिए। आप देख रहे थे TV News चैनल की एक खबर जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से थी।